So guys, in our previous video, we were talking about osmoregulation in aquatic animals, freshwater fishes. Freshwater or marine, अब हम जा रहे हैं marine animals या marine fishes पे. पहले हम marine पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब हम इसका comparison करेंगे, तो हमारे बहुत सारे queries या बहुत सारी जो confusions होती हैं, क्योंकि जब भी बच्चे freshwater पढ़ते हैं, तो बहुत सारी confusions होती हैं, कि अच्छा hypertonic किस तरह, body environment और क्या है. तो वो वाली सारी क्वेरीज जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से फ्रेश वाटर और एक्वेटिक एनिमल्स या मरीन एनिमल्स अपने ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है उनके अंदर. ठीक है, पहले पढ़ते हैं मरीन एनिमल्स में. मरीन एनिमल्स कौन से एनिमल्स हैं? वो एनिमल्स जो कि सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो वाटर जिस पानी में रहते हैं वो पानी सॉल्टी है. ठीक है, अब अगर वो पानी सॉल्टी है तो इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर सॉल्ट है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पानी में ज़्यादा है, तो पानी हाइपरटॉनिक होगा. और उसके मुकाबले में जो आपकी बॉडी होगी, फ्रेश वाटर फिश, जो मरीन फिशेस की जो बॉडी होगी वो हाइपरटॉनिक होगी. वाई? बिकॉज वाटर इज हाइपरटॉनिक. जो वाटर है, जो सराउंडिंग पानी है, वो क्या है? वो हाइपरटॉनिक है, उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई है. तो उसकी वजह से जो है आपका जो बॉडी का जो इन्वायरमेंट है, फिशेस की जो बॉडी का इन्वायरमेंट है, वो क्या है? वो हाइपरटॉनिक इन्वायरमेंट है. ठीक है, आते हैं मरीन फिशेस में. अच्छा, जब इनकी बॉडी का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि इनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लेना होगा, क्योंकि बॉडी का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है. बाहर पानी क्या है? बाहर पानी आपके पास हाइपोटोनिक है, तो दे आर लाइबल टू लूज वाटर. इनके पानी आसानी से बॉडी से बाहर जाएगा, तो इनको उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाई अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक इनको चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा पानी ये पियेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जब ये पानी पियेंगे, तो इसको इस तरह से अच्छे से समझें कि यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत हाई है, या सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई है. ठीक है, जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तो पानी बाहर मूव कर रहा है. जब पानी बाहर मूव कर रहा है, तो इनको क्या होगा? इनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक चाहिए. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक होगी इनकी. जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक होगी, तो बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा. अब पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, और फिर उसके बाद यूरिन प्रोड्यूस होगा. बट उसके साथ क्या मसला हो रहा है? उसके साथ मसला ये हो रहा है ये कि इनके पास जो है पानी के साथ साथ सॉल्ट्स और आयन्स भी अंदर जा रहे हैं. जब हमने फ्रेश वाटर की बात की, तो हमने बात की थी कि मसला क्या आ रहा है. मसला ये आ रहा है कि डायल्यूट यूरिन, लार्ज अमाउंट ऑफ डायल्यूट यूरिन ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करने की वजह से सॉल्ट्स और आयन्स की जो है कंसंट्रेशन डिसबैलेंस हो रही है, क्योंकि वो सारे के सारे आयन्स डायल्यूट यूरिन के साथ बाहर जा रहे हैं. तो इनको क्या करना होगा? उनको एक्टिवली आयन्स को लेना पड़ता है. और ये क्या करते हैं? ये एक्टिवली आयन्स को सिक्रीट करते हैं, और या एक्सक्रीट करते हैं. और किस तरह करते हैं? गिल्स के थ्रू. वहाँ पर गिल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रही थी एक्टिवली आयन्स की, यहाँ पर गिल्स के थ्रू एक्सक्रीशन हो रही है आयन्स की. ठीक है, अगेन करते हैं. मरीन एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं? जो कि रहते हैं सॉल्टी वाटर में, उस वाटर में जिसमें आयन्स की या जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है. जब वो सॉल्टी वाटर में रहते हैं, तो उनकी बॉडी का एनवायरनमेंट क्या होगा? अल्टीमेटली जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो उनकी बॉडी का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होगा. अब जब इनकी बॉडी का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, तो दे आर लाइबल टू लूज वाटर. ये पानी ज़्यादा से ज़्यादा लूज कर सकते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं? उसको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं. अब जब ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, तो एक मसला आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आयन भी इनकी बॉडी के अंदर आते हैं, जो कि आयन्स की कंसनट्रेशन को डिसबैलेंस कर देते हैं. उसको बैलेंस करने के लिए ये एक्टिवली आयन्स को जो है रिमूव करवाते हैं, एक्सक्रीट आउट करवाते हैं गिल्स के थ्रू. ठीक है, ये तो था आपके पास मरीन. अच्छा, मरीन में नॉर्मली जो है ये मरीन में आपके पास दो तरह के होते हैं. एक होते हैं मरीन बोनी फिशेस. हम ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर्स भी कर सकते हैं, बट जो बुक में दिया हुआ है बोनी फिशेस और कार्टिलेजनस फिशेस, पहले इसको हम डिफाइन करते हैं. बोनी फिशेस की क्या अंदर क्या होता है? ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, ये बोनी फिशेस का है. ठीक है, बोनी फिशेस के अंदर जो हमने अभी एक्सप्लेन हुआ ये होता है. अच्छा, कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर क्या होता है? कार्टिलेजिनस फिशेस क्या करते हैं? वो एक चलाकी करते हैं. वो क्या करते हैं? वो अपने बॉडी के अंदर यूरिया को जो है स्टोर कर देते हैं. जब वो यूरिया को स्टोर करते हैं, तो उनका बॉडी का एनवायरनमेंट क्या होता है? हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सॉलिड वेस्ट मटीरियल जमा हो रहा है. अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है? उनको पानी जो यहाँ पर पानी खारिज हो रहा है, उसकी जो है उनको मसला नहीं, इतना सामना नहीं करना पड़ता उस मसले का इतना, क्योंकि उनके पास हाइपरटॉनिक बॉडी एनवायरनमेंट होता है. मगर
वो भी पानी ज्यादा से ज्यादा पी रहे होते हैं, उसको वो ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए उनके रेक्टम में रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं जिसकी जिससे जो है वो एक्स्ट्रा या एक्सेस आयंस जो उनकी बॉडी के अंदर होते हैं वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिशेज में आपके पास रे और शार्क्स आते हैं, रे फिशेज और शार्क्स आती हैं, और ये क्या करती हैं, ये अपनी बॉडी के इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक, स्लाइटली हाइपरटोनिक रखते हैं। क्यों हाइपरटोनिक या किस तरह हाइपरटोनिक रखते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूरिया, स्टोरेज ऑफ यूरिया। जब वो यूरिया की स्टोरेज से अपनी बॉडी के इन्वायरमेंट को स्लाइटली हाइपरटोनिक बनाते हैं, तो वाटर लूजिंग मैकेनिज्म जो कि बोनी फिशेस को फेस करना पड़ता है, उनको फेस नहीं करना पड़ता। बट अगेन उनको एक चीज फेस करनी पड़ती है, दैट इज डिसबैलेंस बिटवीन आयंस, और वो किस तरह ओवरकम करते हैं, वो ओवरकम करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टल ग्लैंड्स। रेक्टम के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड्स के थ्रू दे एक्सक्रीट आउट द एक्सेस सॉल्ट्स और आयंस थ्रू देयर फ्रॉम देयर बॉडी, और अपनी बॉडी से जब वो एक्सेस आयंस को सिक्रीट आउट या एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं, तो ऑस्मोरेगुलेशन या जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो उनके मेंटेन होता है, होम्योस्टेसिस को वो मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, यहां तक बात हो गई मरीन फिशेस की। अब आते हैं इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मरीन को और फ्रेश वाटर को।